नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में मान्य है या नहीं। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में मान्य है या नहीं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका इसका सीधा सा आपको मैं जवाब दूं, तो हाँ, कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मान्य है। एविडेंस एक्ट की 65B के तहत मान्य है, आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन आपको कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने से ते समय की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी यह मान्य है। नंबर एक, कि यह वीडियो जैसी है ऐसी की ऐसी आपको कोर्ट में पेश करनी होगी, उसमें किसी भी तरह की आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नंबर दो, आप उसमें कोई भी कटिंग या एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपके फ़ायदे की कोई चीज़ है, सिर्फ आप उतने पोर्शन को कोर्ट में प्रोड्यूस करें यानी पेश करें, ऐसा भी नहीं हो सकता, वो मान्य नहीं होगी। दूसरा यह है कि आप उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी कर देते हैं, कोई एडिटिंग कर देते हैं, क्लैरिटी या विजुअलिटी के साथ भी आप कोई छेड़खानी करते हैं, तो भी वह मान्य नहीं होगी। यह है कि अगर उस वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग का उस केस से कोई डायरेक्ट यानी सीधा कोई संबंध नहीं है, तो भी वह मान्य नहीं होंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपको कोई ऑडियो आप पेश कर रहे हैं, तो उसे पेश करने के साथ आप ध्यान दें कि आप जब कोई ऑडियो पेश कर रहे हैं, तो उसकी आप लिखित में आप लिखवा के दें कि कौन व्यक्ति क्या वार्तालाप कर रहा है, हिंदी या इंग्लिश में जिस भी भाषा में वो रिकॉर्डिंग है उसमें बताएं, उसको लिखवाएं कि इसने ये कहा फिर इसने ये कहा, साथ में आप उसको भी लगाएं ताकि कोर्ट को उसको समझने में बहुत ही आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।